Hey guys, welcome back to another video of AKG. भाई साहब, एरिंग हालैंड को कौन नहीं खरीदना चाहता है? आज के समय में एरिंग हालैंड एक ऐसा प्लेयर है जो हर एक क्लब चाहती है भाई कि ये प्लेयर हमारे पास आ जाए, क्योंकि एरिंग हालैंड के अंदर वो डिटर्मिनेशन नजर आती है पिच में, वो मोटिवेशन दिखता है, वो हंगर दिखता है यार गोल मारने का। और जब एक प्लेयर ऐसी हंगरनेस के साथ पिच में उतरता है ना, तब वो आपको अनबिलीवेबल स्टैट देता है। अगर मैं बात करूँ इसके स्टैट के बारे में, तो जो डॉर्टमुंड से पहले इसका क्लब था रेड बुल शार्लसबर्ग, वहाँ पे इस बंदे ने 27 गेम खेले और वहाँ पे वो 29 गोल्स प्लस 7 असिस्ट मार दिया। भाई दिस वॉज अनबिलीवेबल। और ये देख करके डॉर्टमुंड में 2020 जनवरी में इसको साइन किया, कितने में? 20 मिलियन में केवल, क्योंकि रिलीज क्लॉज था इसका। अब जब से हालैंड डॉर्टमुंड आया है भाई साहब, ही हैज प्लेड 49 गेम्स एंड ही हैज स्कोर्ड 49 गोल्स प्लस 11 असिस्ट एज वेल। तो तुम समझ सकते हो कि हर एक गेम में ये बंदा एक गोल मार के आता है और 11 असिस्ट भी है। करेंटली ये शायद यंगेस्ट प्लेयर है यूरोप यूसीएल में 20 गोल मारने वाला। सो यू ऑल नो भाई, एरिंग हालैंड क्या आग लगाऊ प्लेयर है भाई, क्या गोल्स वो मारता है, वो हंगर के साथ वो खेलता है और अनबिलीवेबल स्टैट्स हैं भाई उसके। इस सीज़न में ही 31 गेम्स उसने खेले हैं, 33 गोल्स मार चुका है, साथ ही साथ 8 असिस्ट दिया है। सो एरिंग हालैंड इज ऑन रेडार ऑफ ईच एंड एवरी क्लब एंड पर्टिकुलरली बार्सिलोना एज वेल, बट आई डोंट थिंक सो दैट इस सीज़न में हमको एरिंग हालैंड बार्सिलोना आते हुए नजर आएगा। ही विल मोस्ट प्रोबेबली गो टू मैन सिटी, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हाय साहब, देखो यार, सीधी सी बात ये है कि एरिंग हालैंड को अगर आपको खरीदना है अभी 2021 वाले ट्रांसफर विंडो में, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे डॉर्टमुंड, और वी ऑल नो हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में एक चीज़ समझाता हूँ। तुमने सुना होगा कि एरिंग हालैंड का रिलीज क्लॉज है 70 मिलियन का। अभी 70 मिलियन का रिलीज क्लॉज जो है ना, वो 2022 को एक्टिवेट होगा। यानी कि अगर बार्सिलोना एरिंग हालैंड को 70 मिलियन में खरीदना चाहती है, तो एरिंग हालैंड को रुकना पड़ेगा डॉर्टमुंड में एक और सीज़न 2022 तक, और 2022 में जब इसका ये रिलीज क्लॉज वाला क्लॉज एक्टिवेट होगा, तब 70 मिलियन में एरिंग हालैंड को बार्सिलोना खरीद सकती है। लेकिन 2022 तक एरिंग हालैंड का डॉर्टमुंड में रुकना, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा, क्योंकि देयर आर मैनी क्लब्स इंटरेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ एरिंग हालैंड। और जब डॉर्टमुंड को भी ये चीज़ नजर आएगी ना यार कि 2022 में तो ये 70 मिलियन में जा सकता है, तो हमको लॉस होगा, और अगर हम लोग इसको इस सीज़न बेचेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल गो अप टू 150 मिलियन, या फिर हो सकता है 110 मिलियन, यानी 100 मिलियन प्लस की फिगर में ही जाएगा। सो उन लोग भी चाहेंगे कि भाई तो बिक जाए ना यार, 100 मिलियन मिलेगा। सो अगर कोई क्लब बैट करती है एरिंग हालैंड के प्राइस के ऊपर 2021 में, तो फिर उनको पैसे देने पड़ेंगे डॉर्टमुंड को, जैसे हमने दिए लिवरपूल को और डॉर्टमुंड को ही उस्मान डेम्बेले के लिए, वैसे ही डॉर्टमुंड को पैसे देने पड़ेंगे एरिंग हालैंड के लिए। एंड डॉर्टमुंड इज आस्किंग 100 मिलियन प्लस फॉर एरिंग हालैंड, प्लस उसके एजेंट का भी कुछ इसमें फीस रहेगा, प्लस आपको वेजेस भी देने पड़ेंगे। सो इतने सारे पैसे आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना के पास अभी है। साथ ही साथ वी ऑल नो लापोर्टा डेफिनेटली वॉन्ट्स एरिंग हालैंड, बट ये अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि लियोनेल मेसी का कॉन्ट्रैक्ट अभी सामने है साइन करने के लिए, उस्मान डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन करने के लिए, और ये दो प्लेयर बहुत ही नंबर वन प्रायोरिटी में है रोनाल्ड कोमैन के लिए। रोनाल्ड कोमैन वांट्स कि उस्मान डेम्बेले स्टे करे, और उसके स्टे करने के लिए वी नीड टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद उस्मान डेम्बेले। साथ ही साथ मिंगेजा, अंसू फाटी, रोबर्टो, ये 5 प्लेयर्स के मैंने नाम तुमको उंगली में गिना दिए जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हमको साइन करने हैं। सो जब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो ऑफकोर्स तुम थोड़े से वेज बढ़ाते हो, एडिशनल बोनसेस देते हो वगैरह वगैरह, तो उसमें पैसे लगेंगे। साथ ही साथ बार्सिलोना को 1 बिलियन का डेप्थ भी जो है वो पे करना है भाई साहब, प्लेयर के वेजेस हैं जो हमने पोस्टपोन्ड कर दिए थे, तो हमको वो भी देने हैं अभी प्लेयर्स को। सो बार्सिलोना के फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत ख़राब चल रहे हैं, और इसी का फ़ायदा शायद जो है वो मैन सिटी, लिवरपूल, रियल मैड्रिड जो थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल हैं वो उठा सकते हैं। क्योंकि अगर बाई चांस एरिंग हालैंड रुकता है 2022 तक, तो फिर 70 मिलियन कोई भी देके उसको खरीद सकते हैं ना, और मोस्ट प्रोबेबली एरिंग हालैंड शायद बार्सिलोना आना चाहे, ही वुड लाइक टू प्ले विथ मेसी, ही वुड बी सीइंग बार्सिलोना के मैचेस, अभी तो तुमने देखे ही होंगे, तो वो देख रहा होगा कि ये टीम बहुत सजी सजाई है, ये टीम है फ्यूचर के लिए, और यहाँ अगर मैं जाता हूँ तो मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाएगा। तो एक सीज़न वो रुकता है अगर डॉर्टमुंड में,
तब शायद हम एरिंग हालैंड को खरीद पाएंगे 2022 में, क्योंकि उसका ये रिलीज क्लॉज एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर उससे पहले कोई दूसरा क्लब आकर के 100 मिलियन के लिए डॉर्टमुंड को दे कि मैं 100 मिलियन दे रहा हूँ, मेरे को एरिंग हालैंड चाहिए, तो डॉर्टमुंड ना ऐसे आँख बंद करके बोलेगी ले जाओ, क्योंकि 100 मिलियन okay, अगले सीजन हमको ये 60 मिलियन में बेचना पड़ेगा, 70 मिलियन में बेचना पड़ेगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना विल बी यू नो हैविंग एरिंग हालैंड इन दिस सीजन पर्टिकुलरली। इफ बार्सिलोना मैनेजेस टू सेल प्लेयर्स, यू नो वो कैसे कैसे करके प्लेयर्स को बेच देते हैं और कहीं से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं 100 मिलियन प्लस, तब फिर इस फाइट में बार्सिलोना जुड़ सकती है विथ मैन सिटी, रियल मैड्रिड वगैरह वगैरह, एंड देन लापोर्टा कैन यूज रायोला का जो भी उसका दोस्ती यारी चलता है उससे कि यार मेरा सेटिंग जमवा दे पहले तू। लेकिन इसके लिए प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे और वो चीज़ भी थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है। तो कुल मिला के कहानी ये है, अगर हालैंड 2022 तक रुकता है डॉर्टमुंड में तब हम उसको 70 मिलियन में खरीद पाएंगे। बात करूं 2021 के समर विंडो की जो भी आने वाली है, अगर इसमें मैन सिटी, पीएसजी और लिवरपूल, रियल मैड्रिड इन लोग 100 मिलियन प्लस देते हैं डॉर्टमुंड को, तो एरिंग हालैंड हमको मैन सिटी में देखने को मिल सकता है, जो वो हो सकता है भाई। तो इट विल टोटली डिपेंड ऑन एरिंग हालैंड एज वेल कि वो क्या चाहता है। अगर वो चाहा कि भाई मैं मैन सिटी जाके खेलूंगा तो फिर तो कुछ है ही नहीं, और अगर वो चाहता है कि मैं बार्सिलोना आकर के खेलूं तो शायद बार्सिलोना में लापोर्टा उसको फ़ोन करके बोले कि दोस्त अभी पैसे नहीं है यार, एक सीज़न रुक जा, अगले सीज़न मिलते हैं तेरे से भाई। तो ऑफ कोर्स ये भी चीज़ हो सकती है। सो टू बी रियली ऑनेस्ट, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, अगर 22 तक रुक गया एरिंग हालैंड भाई साहब डॉर्टमुंड में, तभी रिलीज क्लॉज एक्टिवेट होगा और 70 ही मिलियन है हमारे पास एक स्ट्राइकर को खरीदने के लिए, लुकिंग एट आर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाला सिचुएशन अभी फिलहाल के लिए। This is it for today's video. I am Ashish Kesani. All of you, take care, peace. Viskel Barsa. Jai Hind. Take care. और Instagram में 1K होने वाले हैं, ठीक है? तो अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो कर दो यार, है ना, 1K करवा दो। उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा फॉलो करने के लिए, भगवान की कसम भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ।